अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्लास टेन के चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड साल्ट में इंडिकेटर और साल्ट एज अ लॉन्ग शॉर्ट और एम सी क्यू डिटेल से डिस्कस किया था आज हम स्टार्ट करेंगे प्रेपरेशन ऑफ साल्ट पेपर में एज अ लॉन्ग और शॉर्ट पूछा जा सकता है सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि साल्ट मे बी वाटर सालुबल और इंसालुबल द मैथड्स यूज फॉर द प्रप्रेशन ऑफ साल्ट आर बेस्ड ऑन देयर सालुबिलिटी इन वाटर यहाँ पर हम जनरल मैथड्स फॉर द प्रेपरेशन ऑफ साल्ट इनको डिस्कस करेंगे प्रेपरेशन ऑफ सार्स के फाइव जनरल मैथड्स हैं फोर मैथड्स सालुबल सार्स बनाते हैं और वन मेथड के जरिए हम इन सालबल सालस की प्रेपरेशन करते हैं सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रेपरेशन ऑफ सॉलुबल सार्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन आपको इस तरह आएगा एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स हाउ सॉलुबल सार्स आर प्रिपेयर्ड। तो फिर आपने यहाँ से बताना है फर्स्ट मेथड है बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ मेटल इसका एक और नाम भी है डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड ये मेथड भी हम करेंगे यहाँ पर एक और शॉर्ट क्वेश्चन भी है जो पेपर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपको इस तरह आएगा हाउ आर द सॉल्युबल सॉल्ट्स रिकवर्ड फ्रॉम वाटर क्वेश्चन मैं फिर रिपीट कर देती हूँ हाउ आर द सॉल्युबल सॉल्ट्स रिकवर्ड फ्राम वाटर तो फिर इसका आंस आप यहाँ से बताएंगे सॉलुबल साल्ट आर ऑफन प्रिपेयर इन वाटर देयर फॉर दे आर रिकवर्ड बाई अवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन यहाँ तक इसका आंसर आप लिखेंगे डायरेक्ट डिसप्लेसमेंट मेथड में एसिड का जो हाइड्रोजन आइन होगा वो रिप्लेस होगा रिएक्टिव मेटल से प्रेपरेशन ऑफ सॉलुबल साल्ट में ये पेज भी हम लिखेंगे यह पेज भी लिखा जाएगा और यहाँ पर डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड की इक्वेशन दी गई है ये इक्वेशन भी आपने करनी है नेक्स्ट मेथड है बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस इसका सेकेंड नेम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इस मेथड में एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं और प्रोड्यूस क्या करते हैं साल्ट एंड वाटर ये पेज भी लॉन्ग क्वेश्चन में लिखा जाएगा ये न्यूट्रलाइजेशन मेथड की एग्जांपल है नेक्स्ट रिएक्शन है नेक्स्ट मेथड है बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ मेटालिक ऑक्साइड जब एसिड मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है साल्ट एंड वाटर इसकी एग्जांपल भी आपने बतानी है ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा यहाँ तक फोर्थ मेथड है बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ कार्बोनेट जब एसिड कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोड्यूस करता है साल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसकी एग्जाम्पल भी आप करेंगे ये बहुत इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इसको आपने अच्छे तरीके से करना है नेक्स्ट जो मेथड है वो है प्रेपरेशन ऑफ इंसॉलुबल सॉल्ट्स ये अलादा से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपको इस तरह आएगा हाउ आर द इन सॉलुबल साल्स प्रिपेयर्ड तो फिर आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक बताना है इस मेथड में हम करते क्या हैं सॉल्यूशंस ऑफ सॉलुबल साल्स आर मिक्स्ड सॉलुबल सॉल्ट्स के सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं और उनके जो आयनिक रेडिकल हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं रिएक्शन के दरमियान और उनके जो आयनिक रेडिकल हैं वो ड्यूरिंग रिएक्शन एक्सचेंज हो जाते हैं और टू नए साल्स बन जाते हैं उसमें से एक साल्स इंसॉलुबल होता है और दूसरा साल सॉलुबल होता है इन सॉलुबल साल्स को हम प्रेसिपिटेट कर लेते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है टाइप्स ऑफ साल्ट साल्ट की सिक्स टाइप्स हैं नॉर्मल साल्स एसिडिक साल्ट बेसिक साल्ट डबल साल्ट मिक्स्ड साल्ट कॉम्प्लेक्स साल्टस ये टाइप्स ऑफ साल्ट एस ए लॉन्ग भी पेपर में आ सकती हैं और सेपरेटली शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती हैं शॉर्ट क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन इस तरह आ सकता है डिफाइन नॉर्मल सॉल्ट और न्यूट्रल साल तो आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है यहाँ से अ साल्स फॉर्म बाय द टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आइन एन एसिड बाय अ पॉजिटिव मेटल आइन और अमोनियम आइन इस कार्ड नॉर्मल और न्यूट्रल साल्स दी साल्स आर न्यूट्रल टूलिटमस यहाँ पर न्यूट्रल साल्स की कुछ एग्जांपल दी गई हैं आप सब भी कर सकते हैं इनमें से कोई सी दो भी कर सकते हैं इस पेज पर एक एम सी क्यू भी आ सकता है आपको असार्ट फॉर्म बाय द टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आइन ऑफ एन एसिड अ पॉजिटिव मेटल आइन और अमोनियम आइन इसकार नॉर्मल साल्ट और न्यूट्रल यहाँ पर कुछ एम सी क्यू भी हैं जो पूछे जा सकते हैं For example, salts are formed by the partial replacement of replaceable hydrogen ion of an acid by a positive metal ion, is called acidic salt. Acidic salts turn blue litmus red. Acidic salts react with bases to form normal salts. Next type hai, बेसिक ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है हाउ बेसिक सॉल्ट्स आर प्रिपेयर तो फिर आपने इसकी डेफिनेशन बतानी है और यहाँ पर थ्री एग्जाम्पल्स दी गई हैं आप तीनों भी कर सकते हैं और उनमें से कोई सी दो भी कर सकते हैं आप बताएंगे बेसिक सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ पोलीहाइड्रोक्सी बेस बाई एन एसड नेक्स्ट आपसे ये पूछा जा सकता है कि हम बेसिक सार्स को नॉर्मल सार्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं तो फिर आपने ये बताना है these further react with acids to form normal दी सार्स फर्दर रिएक्ट विद एसड्स टू फॉर्म नॉर्मल सार्स यहाँ पर थ्री एग्जाम्पल्स दी गई हैं तो आपने ये तीनों कर लेनी है नेक्स्ट टाइप है डबल सार्स ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है डिफाइन डबल सार्स और व्हाट इज मंड बाय डबल सार्स तो इसकी डेफिनेशन आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे डबल सार्स आर फाउंड बाय द टू नॉर्मल सार्स वेन दे आर क्रिस्टलाइज्ड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ एक्वीमोलर सेचूरेटेड सोलूशन डबल सार्स यहाँ तक कंप्लीट होगा डबल सार्स में कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं जो मज़ीद पूछे जा सकते हैं आपसे क्वेश्चन आपको इस तरह आ सकता है वट इज़ द फार्मूला ऑफ मोहर साल्ट व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ पोटाश एलम राइट द फार्मूला ऑफ़ फेरिक एलम तो फिर आपने मोहर साल्ट का ये फार्मूला बताना है एफ पी एस ओ फोर एन एच फोर एस ओ फोर डॉट सिक्स एच टू ओ पोटाश एलम का फार्मूला है के टू एस ओ फोर डॉट ए एल टू एस ओ फोर थ्राइस डॉट ट्वेंटी फोर एच टू ओ और फैरिकलम का फार्मूला है के टू एस ओ फोर डॉट एफ ई टू एस ओ फोर थ्राइस डॉट ट्वेंटी फोर एच टू ओ ये डबल साल्ट की एग्जाम्पल्स भी हैं और ये अलहदा से भी शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे फार्मूलास पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट टाइप है साल्ट की मिक्स्ड साल्ट ये भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है डिफाइन मिक्स्ड साल्ट या व्हाट इज मैंड बाय मिक्स्ड साल्ट मिक्स्ड साल्ट कंटेन मोर देन वन बेसिक और एसिडी रेडिकल्स इसकी एग्जांपल दी गई है ब्लीचिंग पाउडर नेक्स्ट टाइप है कंप्लेक्स सॉल्ट्स कम्प्लेक्स आर्ट्स आपने यहाँ तक करना है कम्प्लेक्स आर्ट्स ऑन डिसोसिएशन प्रोवाइड्स अ सिंपल केटाइन एंड अ कम्प्लेक्स इनाइन और वाइस वर्सा। यहाँ पर उन्होंने हमें कम्प्लैक्स आर्ट्स की एग्जाम्पल दी है फॉर एग्ज़ाम्पल पोटाशियम फेरोसायानाइड जब हम उसके आयनाइजेशन करते हैं तो हमें सिंपल केटाइन मिलता है और कम्प्लेक्स ए मिलता है स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में सार्स को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे खुदा हाफिज